प्रेगनेंसी में बच्चा अगर हलचल नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चा हलचल करे। देखिए, अगर बच्चा हलचल नहीं कर रहा है तो इस बात का संकेत है कि बच्चा थोड़ा मुसीबत में हो सकता है। कई बार बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जा रहा होता है और कई बार बच्चे के आसपास जो पानी है उसकी कमी हो जाती है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर दिन आपको नोटिस करने हैं बच्चे के मूवमेंट, बच्चे की हलचल नोटिस करनी है कि बच्चा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जब आप रेस्ट कर रही होती हैं, आराम कर रही होती हैं काम करके या फिर खाना खा के, उस टाइम पे जरूर नोटिस करना है बच्चे की हलचल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे आपने फील किया बच्चे ने हलचल नहीं किया है ना, तो उसके लिए आप क्या टिप्स फॉलो कर सकती हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ खा लेना है। कई बार भूखे पेट में भी बच्चा हलचल नहीं करता है ना, तो आपको कुछ खा लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत वॉकिंग करनी है ना, रूम में ही आप वॉकिंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का इधर से उधर टहल लेना है। उसके बाद जैसे ही आप रेस्ट करेंगी, बैठेंगी बेड में, तो आप फील करेंगी, हाथ से टच करेंगी अपनी टमी पे, तो बच्चा हलचल कर रहा होगा। तो इस चीज से भी आप पता लगा सकते हैं कि बच्चा हलचल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर तब भी बच्चा हलचल ना करे तो कुछ मीठा ले लीजिए, है ना। मीठा खाने से बच्चे अधिकतर हलचल करना शुरू कर देते हैं। जो भी मीठा आपको पसंद है वो आप ले लीजिए। उसके बाद आप रेस्ट करेंगी, थोड़ा वॉकिंग भी कर सकती हैं। उसके बाद जैसे ही आप बेड में लेटेंगी या फिर बैठेंगी तो आप महसूस करेंगी हाथ से, तो वहाँ पे बच्चे जो है हलचल करना शुरू हो जाता है ना। अगर ये सब करने के बाद भी बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, आपने वॉकिंग कर ली, खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, और या फिर आपने मीठा भी खा लिया, वॉकिंग कर ली है ना, पानी भी पी लिया, उसके बाद भी बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर पे डॉक्टर चेकअप करेंगे बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें पता चल जाएगा कि बच्चे की हार्ट बीट कितनी है ना। तो इसमें डॉक्टर आपको बता देंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो 5वें महीने से हलचल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 5वें महीने में बहुत कम फील होती है आपको हलचल, क्योंकि बच्चे का साइज अभी छोटा होता है। तो आपको बहुत, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से फील करेंगे, तो ही आपको हलचल महसूस होती है। और 6वें महीने में आपको काफी अच्छे से हलचल महसूस होना शुरू हो जाती है। तो 6वें महीने से आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चा हलचल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और लास्ट के 9वें महीने में, 8वें महीने में बच्चा जो है कम हलचल करना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे के आसपास स्पेस कम होता है, क्योंकि बच्चा का साइज काफी बढ़ चुका होता है उस टाइम तक, और उसको इतना स्पेस नहीं मिलता है हलचल करने के लिए, तो उसकी हलचल जो है कम हो जाती है ना। 6वें महीने में, 7वें महीने में इसमें आपको ज्यादा हलचल दिखेगी, लास्ट के महीने में आपको हलचल कम होना शुरू हो जाएगी। ऑन एन एवरेज जो बच्चा हलचल करता है पूरे दिन में 10 से 11 बार हलचल कर सकता है ना। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है। अगर आपको बिल्कुल भी हलचल महसूस नहीं हो रही है और, तो आपको ये टिप्स जो मैंने बताए वो फॉलो करने हैं, और उसके बाद भी अगर ना करे तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो जो कि प्रेगनेंसी में काम आने वाले हैं आगे भी मैं अपने चैनल पे लाने वाली हूँ, तो इसलिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए जिससे कि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपसे वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।